नमस्कार, मैं कपीश भल्ला और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर। साल के 365 दिन में से अधिकांश दिन में या तो किसी राजनीतिक, धार्मिक जुलूस, रैली आदि शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरते हुए आपने और हमने सबने देखा होगा, और इन्हीं जुलूस रैली के भव्य स्वागत के लिए नाना प्रकार की व्यवस्थाएं आज आयोजकों के द्वारा की जाती है। ऐसा ही एक जुलूस शहर के मुख्य मार्गों से होता हुआ निकला और जिसके भव्य स्वागत के लिए कुछ निश्चित टेंट व्यवसायियों को शहर के मुख्य मार्गों में भव्य स्वागत द्वार बनाने के निर्देश दिए गए, और मिले दिशा निर्देश के अनुरूप टेंट व्यवसायी ने टाउन हॉल रोड, बापू बाजार, सूरजपोल, दहली गेट, अश्वनी बाजार और अधिकांश जगहों पर लोहे की ट्रस्ट पर कपड़ा लपेट कर गेट खड़े कर दिए, जिसके परिणाम स्वरूप पहले भी कई बार इस तरह सिक्के लगाए स्वागत द्वार सड़कों के मध्य धराशायी होते हुए नजर आए, जिससे कई बार नुकसान होने की बात भी सामने आई। पूर्व के समान ही एक बार फिर यह नज़ारा बापू बाजार में सामने आया। यह नज़ारा बापू बाजार मुख्य मार्ग डॉक्टर बख्तावर लाल डिस्पेंसरी के बाहर का भव्य स्वागत द्वार, जो कि लोहे के स्ट्रक्चर पर कपड़ा लपेट कर खड़ा किया गया, वह धराशायी हो गया, जिससे अल सुबह आवाजाही करने के लिए यह बाधा उत्पन्न कर रहा था। साथ ही लोहे के स्ट्रक्चर के गिरने के दौरान इसका एक भाग दूसरी तरफ जाकर गिर गया और एक एक अन्य दूसरी तरफ जाकर गिर गया। ऐसे में यहाँ पर एक बड़ा हादसा भी घटित हो सकता था, जिसकी जिम्मेदारी आखिरकार किस पर तय की जाती यह तो आने वाला समय ही तय करता, लेकिन इस तरह के होने वाले हादसे या घटना कभी भी किसी के घर का चिराग भी बुझा सकते हैं।